बादर रे अरज गरज बरसन लागे बिजुरी चमक जिया डरात बादर रे। नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ देवासमन। विल बी टॉकिंग अबाउट पिच विच इन इंडियन system we also call it scale, but scale is a different thing from pitch, so better to actually utter it as pitch. So jab hum pitch bolte hain to wo aap west mein jaye, east mein kare, kahin pe bhi perform kare, pitch agar bolte hain ki ye mera pitch hai, this is my pitch, then it becomes easier for people to communicate easily from any genre, from any any system. So often we come across this with this challenge that how to decide my pitch. Mera pitch kya hai? Main kis mein gaun? Kaun sa mera sur hona chahiye? Kaun se sur se gaun? To hum bahut samay kya karte hain? Agar ladkiyan hoti hain to they follow their guru, female gurus, aur ladke hote hain to they follow their male gurus. Par har ek ko samajhna chahiye, everybody should be actually understanding their own voice and knowing the the anatomy of their the vocal system, the vocal voice box actually. तो उससे क्या है, वो हमको पता चलता है कि हम कैसे कौन से सुर को अपनाएं ताकि मेरा गला आराम से सभी चीज़ों को प्रस्तुत कर पाए आराम से और बहुत सहूलियत के साथ हर एक चीज़ को गा सके। तो इस पे हम चर्चा करेंगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिसाइड योर पिच। सो नाउ जैसे कि हम देखते हैं कोई भी गाना हम गाते हैं, हम बहुत किसी को सुने हैं, कोई कोई मेरे पास सीखते हैं या सीखने आते हैं, तो मैं ये गाना इस पे गाता हूँ, मैं वो गाना इस पे गाता हूँ, मैं इसको ऐसे गाता हूँ, नहीं ये नहीं होना चाहिए। रियाज के लिए और गाने के लिए आपका एक सही पिच होना चाहिए। हाँ कहीं पर कोई ऐसा कुछ आया कि मुझे गाना पड़ेगा और लोगों के साथ या कुछ किसी चीज़ के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा, इफ़ यू हैव देन योर वॉइस शुड बी एक्चुअली कैपेबल ऑफ मोल्डिंग दैट वे। तो उसके लिए हम रियाज करते हैं अलग तरीके से, मेरे इस चैनल में दिया हुआ है, पहले के वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो है पिच कैसे डिसाइड करें। It's very easy. If you are male or if you are female, whatever, आप को जो लगता है कि आप स्टार्ट करें, जैसे मेल्स हों तो आप स्टार्ट करें सी शार्प से या सी से, और फिर देखिए आप कि तीन स्वर नीचे और तीन स्वर ऊपर, थ्री नोट्स डाउन इन द लोअर ऑक्टेव जिसको मंद्र सप्तक बोलते हैं, और थ्री नोट्स अबव इन द तारा तार सप्तक जिसको हम तार या फिर अपर ऑक्टेव बोलते हैं, तो उस पे हम देखेंगे कि मेरा गला विदाउट ऐसे या ऐसे करके या नॉर्मली विदाउट स्ट्रेस या फीलिंग मच ऑफ स्ट्रेस कैसे जा रहा है, मूवमेंट स्मूथ है कि नहीं है। बहुत सिंपल है, जैसे मैं अभी मान लीजिए ये डी है, मैं डी पे इसको तानपुरे को सेट किया हूँ तो मेरे गले पे मत जाइए, आई कैन सिंग इन एनी पिच, सो दैट्स डिफरेंट बिकॉज मेरा 35 साल का 34 साल का प्रैक्टिस है। लेकिन आपको इनिशियली जो करना है तो नीचे के जैसे सा नी ना, अगर धा तक नॉर्मली जा रहा है देन देखेंगे पा मा गा कहाँ तक जा रहा है। ओके सो यू नोट इट डाउन कि मेरी आवाज़ यहाँ तक जाने में सक्षम है। ओके एंड सिमिलरली ऊपर में हम क्या करेंगे, सा रे गा, अब गा मा पा जा रहे हैं और ऊपर जा सकते हैं, तब उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, गा तक नॉर्मली विदाउट शाउटिंग अगर हम जा रहे हैं ठीक से। तो अगर डी में ऐसा हो रहा है, गा मेरा ऊपर जा रहा है और नीचे धा के नीचे तक आ रहा है, देन इट्स ओके, देन डी कैन बी माई पिच। अगर ग जाने में दिक्कत हो रही है, ऋषभ जाने, तो हम आधा सुर नीचे करेंगे, जैसे सी शार्प, तो आधा सुर नीचे करके हम देखेंगे कि उस पर क्या हो रहा है।
ठीक है, फिर अगर उस पर दिक्कत हो रही तो फिर सी पे देखेंगे। तो गा ऊपर ग तक और नीचे ध तक। सिमिलरली विद द फीमेल्स, अगर आपकी आवाज बी में भी मध्यम पंचम तक आराम से जाती है, ऊपर ऊपर के स्वरों तक, तो आप यू कैन शिफ्ट इवन सी, यू कैन सिंग ऑन सी। पर क्या है कि जहां पे आप आराम से इधर धैवत पंचम, मतलब धैवत इज द स्टैंड कि हम उससे सिलेक्ट करते हैं, उधर ग तक मेरा स्टैंड है, वो इजी है। उसके बाद अगर थोड़ा सा भी मुझे वॉइस में मॉड्यूलेशन करके नीचे जाना पड़ रहा है, ऊपर जाना पड़ रहा है, देन इट्स ओके, बट दैट कैन बी योर पिच। ओके, तो मान लीजिए सी पे हम ध के नीचे भी आराम से जा रहे हैं तो सी इज बेटर। अगर गा के ऊपर तकलीफ होती है, मध्यम तक नॉर्मली जा रहा है, तो मध्यम वो आपका पिच हो सकता है, या फिर आप सी शार्प में ट्राई कर सकते हैं फॉर द मेल्स। एंड फीमेल्स के लिए बी, ए शार्प, या फिर ए जिसको ए, या फिर जी शार्प, ऐसे हम देख सकते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, अगर बच्चे हैं तो वी कैन टेस्ट फ्रॉम बी। आपको देखना है कि वॉइस शार्प है, सुन के तो आवाज़ पता चलता है ना कि शार्प है कि नहीं। या जिनकी आवाज़ थोड़ी राउंड होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, तो उनको आप बी से नहीं, आप उनको ए शार्प या ए से ट्राई करेंगे। लड़कों के साथ भी वैसा है, खास करके जब वॉइस चेंज होता है उस समय क्या करना होता है, हमें बहुत बहुत इंट्रिकेटली उसको देखना होता है कि तीन तीन स्वर नीचे, जैसे बहुत किसी का बहुत शार्प वॉइस, फीमेल वॉइस, जैसे मेरा बचपन में फीमेल वॉइस था, एकदम शार्प वॉइस, तो उससे मेल इस पर ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो मेल जो भारी पन आया है आवाज में। तो धीरे धीरे आई यूज टू सिंग इन बी, फिर उसको हम ए शार्प ए, जी शार्प जी, ऐसे मेरे गुरुजी उसको धीरे 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 उतारे थे। तो मेल वॉइस ट्रेनिंग में भी वो बहुत बहुत इंट्रिकेटली देखना होता है जब वॉइस चेंज होता है कि कैसे कैसे कैसे। मेरे स्टूडेंट्स हैं जैसे उनको आई स्टार्टेड फ्रॉम ई, यू नो जी शार्प, जैसे बी से गाते थे, फिर वहाँ से धीरे धीरे आ गया, एकदम डायरेक्टली जंप होके आ गया जी पे, जी से फिर एफ, देन डी शार्प, ऐसे जाके सेटल हो जाता है कहीं पे कि डी शार्प या डी या सी शार्प, जहाँ पे भी हो। तो विद द मैच्योरिटी एंड द वॉइस चेंज जो होते रहता है 22 साल की उम्र तक, ऑलमोस्ट मान लीजिए 19-20 तक तो लड़खड़ाता ही रहता है, 22 से थोड़ा 21-22 से थोड़ा सेटल होने लगता है, तो उस समय जाके वो स्टैंड होता है कि ये स्वर मेरे लिए ठीक है। सो दिस इज द नोट विच आई कैन यूज फॉर एंड सेलेक्ट एज माई पिच। सो डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो समबडी कि ही इज सिंगिंग इन डी शार्प सो आई हैव टू सिंग ऑन डी शार्प, डी शार्प, और he is singing on E, so I have to sing on E or D. There should be proper balance between the notes where you can have the equal weightage in each of the notes. So that is very important. So that you should select. So this is the idea. Three notes up, three notes down. If you can move very easily, then it should be your pitch. Uske baad aap upar jaate, niche jaate, doesn't matter. The teen, अगर और भी इजीली आप ऊपर करते हैं तो यू कैन शिफ्ट टू, जैसे डी में गा रहे हैं तो डी शार्प कर सकते हैं, लेकिन द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड कि मेरी जो आवाज़ है वो आराम से कहाँ तक मूवमेंट उसका हो रहा है, ठीक है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे सो आपको जरूर जरूर अपना जो पिच है यू वुड गेट दैट वेरी इजीली, इट्स वेरी 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 इजी। सो हम जो रियाज जब करते हैं, जैसे मान लीजिए सुबह का प्रैक्टिस है, जो भी करते हैं मेरे वीडियोस में दिए गए हैं, उसको आप दो नोट या फिर एक नोट नीचे कर सकते हैं। अगर डी से गाते हैं तो शीश सी से करिए, अगर लड़कियाँ बी से गाती हैं तो आप ए से करें या जी शार्प से करिए, तो उससे बहुत असर आपको आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, तो सब्सक्राइब करिए फॉर न्यू वीडियोस। एंड यस, एनीबडी कैन सिंग विथ प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर लर्निंग। थैंक यू, कीप वेल, कीप हैप्पी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी कमिंग अप विथ मोर सॉल्यूशंस। नमस्कार।